वैशाली नगर गांधी पथ पर फायरिंग वाली घटना का हुआ पर्दाफाश। मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, एक शूटर के साथ मोटरसाइकिल बरामद। खुलासा DCP वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि 16 जून को आदित्य जैन जयपुर प्राइम आम्रपाली सर्किल पर पथ पर गाड़ियों की सफाई कर रहा था। सुबह 10 बजे एक बाइक पर दो सवार आए और पीछे बैठे व्यक्ति ने आदित्य पर गोली चला दी। सूचना मिलते ही सभी आला अफसरान मौके पर पहुंचे, फर्स्ट एड दिलवाकर SMS अस्पताल आदित्य को भेजा। पूछताछ में आदित्य की पत्नी के साथ मुंबई निवासी कमलेश शिंदे से प्रेम प्रसंग चलते आदित्य को रास्ते से हटाने को लेकर हमला किया गया। पुलिस की कड़ी मेहनत से मुख्य आरोपी और शूटर गिरफ्तार हुआ। दो फरार हैं, बाइक जब्त। 16 तारीख को हमें कंट्रोल रूम सूचना मिली कि गांधी पथ एक्सटेंशन पे एक फ्लैट में कार वॉश कर रहे एक व्यक्ति जिसका नाम आदित्य जैन था, वो जो अपना काम कर रहा था, उस समय मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए अज्ञात और उन्होंने गोली चला करके आदित्य जैन को गोली मार दी। गोली लगने की सूचना पे तुरंत थानाधिकारी करणी विहार जय सिंह, ACP वैशाली नगर राय सिंह और एडिशनल DCP वेस्ट हमारे राम सिंह जी और मैं, हम सभी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और वहाँ से इंजर्ड को निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ उसके हाथ में चोट लगी, गोली लगी थी और उसको प्राथमिक उपचार देकर के SMS रवाना किया गया। मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे आदित्य जैन विक्टिम एक कार की सफाई कर रहा था और वहाँ पे मौके पे काफ़ी खून उसके शरीर से निकला था जो वहाँ पे फैला हुआ था। तुरंत मौके की कार्रवाई की गई और MSL टीम को बुला के घटना निरीक्षण कराया गया। मौके की कार्रवाई करने के बाद इंजर्ड आदित्य जैन के अस्पताल में बयान लिए गए, उससे जानकारी प्राप्त की गई। मोटे रूप में हमने पाया कि ये कार वारदात को थाने डोंबिवली थाना इलाका निवासी कमलेश शिंदे के कहने पर दो अज्ञात हमलावरों द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये इन्वेस्टिगेशन की लाइन तय करी गई भी मुख्य रूप से विक्टिम कमले आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी करने के लिए, उससे मित्रता करने के लिए कमलेश जैन ने ये वारदात करी और अपने कार्य में सफल नहीं होने पर होने के कारण आदित्य जैन को उसने सबक सिखाने या उसको रास्ते से हटाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अनुसंधान टीम एडिशनल DCP राम सिंह जी और ACP वैशाली नगर राय सिंह जी के नेतृत्व में तैयार की गई और SHO करणी विहार जय सिंह जी के साथ में एक पुलिस टीम, एक सब इंस्पेक्टर, अन्य जाब्ते को तुरंत डोंबिवली थाना क्षेत्र में थाने के लिए रवाना किया। वहां जाकर जो इसी बीच में एडिशनल DCP राम सिंह जी ने अपनी अन्य जो बिंदु थे इन्वेस्टिगेशन के, उस पर उन्होंने अपने ACP साहब के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। क्राइम ब्रांच थाने की मदद से हमने कल्पेश शिंदे को कमलेश शिंदे को दस्तावेज किया और दस्तावेज करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के यहाँ आए। साथ ही इन्वेस्टिगेशन से हमला करने वाले दो शूटर थे, उन दो शूटर के नामों को हमने आइडेंटिफाई किया। उनमें से एक शूटर सावन नट को, जो मूलतः भीनवाल का रहने वाला है और थाने में रह करके काम करता है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। मोटे रूप में जो घटनाक्रम है उसके कहानी इस प्रकार रही कि विक्टिम आदित्य जैन